ieri. अरे इधर, अरे घूमो यार वैभव। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम आदर और स्नेह भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको मसूरी के कुछ दृश्य दिखा रही हूँ। हम परसों मसूरी गए थे, बहुत स्नोफॉल हो रही है वहाँ पर और हम यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं और हम ना जाएं तो कुछ मन मानता नहीं और इतनी ठिठुरन हो रही थी। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने क्या गलती की थी, गम बूट नहीं पहने थे और पैरों में बहुत कुछ, मुझे आजकल वैसे भी बहुत सर्दी लग रही है। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी जाएं तो वहाँ पे गम बूट जरूर लेके जाएं और क्या क्या सावधानियाँ रखें। देखिए ये हमारा यहाँ से खड़े होकर देहरादून दिखाई देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध थी। और जिन्हें अपने कार्य करने हैं वो तो करने हैं। देखिए कैसे एजेंसी की गाड़ी खड़ी है, लोग कैसे छाता लेके अम्ब्रेला लेके भी जा रहे हैं, क्योंकि जो होती है ना जब गिरती है ऊपर से, बहुत ही रूई किफाई जैसे होती है, इतनी मुलायम होती है। देखिए ये डॉगी जर्मन शेफर्ड है, ये मेरे पास भी था एक। और ये लोग हैबिचुअल हो जाते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे। और ये डोमेस्टिक है, पालतू है। और ये वाला जो आ रहा है ना, ये भोटिया कहते हैं इसको, यहाँ पे पहाड़ों में होते हैं। ये लोग बड़े हैबिचुअल होते हैं, इन्हें कोई ठंड वंड नहीं लगती, कैसे घूम रहे हैं। और ये देखिए कैसे बर्फ है यहाँ पे, ये पहाड़ी होती है ना। एक तरफ क्या होता है मसूरी में, एक साइड पहाड़ी पहाड़ी रहेंगी, रास्तों को काट काट के बनाते हैं और एक तरफ खाई रहती है। ये देखिए राइट हैंड साइड पे पहाड़ियाँ हैं ये, जिन्हें काट काट के रास्ता बनाया है, बाईं तरफ खाई होती है। और ये देखिए एनिमल्स आ रहे हैं, गाय वगैरह, ये भी ऐसे घूमते रहते हैं। और पहाड़ी गायें जो होती हैं उनकी थोड़ी हाइट छोटी होती है, इसमें आपको इतना पता नहीं चलेगा। और ये देखिए कितना दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये देखिए जो ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर देखिए कैसे फूक के कारण सूर्य किरण नाम है ये होटल का। और इधर पिलर्स पे भी कितनी बर्फ है, बहुत ठंड के मारे हाल तो। और मैं आपसे ये कहूँगी, एक तो गम बूट जरूर ले जाइए, मैं बता दूँ आपको अगर आप जाएंगे तो, ताकि आपको आराम रहे। और पॉली बैग्स जरूर ले जाइए कुछ, उन्हें वहाँ पे फेंक के बिल्कुल मत आइए, प्रकृति का बहुत नुकसान होता है उससे, हमारी भूमि का। ताकि आपके कुछ गीले हो जाएं कपड़े वगैरह तो आप उसमें रख लें। और ये देखिए बर्फ गिरी हुई बिल्कुल जम जाती है ऐसे, ये पत्थर की तरह हो जाती है कुछ जगह पे, जहाँ पे ताज़ी ताज़ी गिरती है। ये देखिए ये ताज़ी गिरी है यहाँ पे, तो आप पैर रखेंगे तो ऐसे धंस जाएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बार बार आप कहेंगे गम बूट के लिए, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग हल्के में लेते हैं बात को, और वहाँ जाके फिर कितनों के मैं देखती हूँ कि जो पैरों के जो शूज़ वगैरह होते हैं उसके तला उखड़ जाते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए पत्ते भी सब गिर गए हैं रास्ते में, और इतना जाम लग गया था, हम सुबह 2:45 देहरादून पहुँचे उस दिन, और बर्फ़ को काट काट के तब उस जाम को खोला गया, रास्तों को तब खोला गया था। तो इन सब बातों की बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए। और ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ, देखे जो मैंने ली थी कुछ, क्योंकि मैं बहुत एक तो ठिठुरन बहुत थी, मुझे तो अभी भी याद करके बहुत ठिठुरन हो रही है। ये देखिए बाईं तरफ मोना है, इंजीनियर हैं ये, और ये दाहिनी तरफ शिल्पी हैं, टीचर हैं ये। यहाँ खड़े होकर इन्होंने फोटो शूट किया था अपना, मेरी जवान थोड़ी सारी लड़खड़ा रही है। आज बहुत बारिश हो रही है क्योंकि देहरादून में भी। और ये पूरा एक लंबा था लेकिन मैंने इसको कट कर करके और तब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा ऐसे लंबाई में लिया था फोटोशूट। ये देखिए जो मैंने दिखाया था ना, इधर सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे आई थी दोनों, यहाँ खड़ी हैं ये देखिए, और ऊपर ऐसे इनकी, ये बहुत ही सुंदर नज़ारे थे।
और हर चीज का एक अपना प्राकृतिक जो नजारे होते हैं उनका अलग ही आनंद होते हैं। ये आशीष है, और बहुत धूम धमाल मची थी उस दिन, लेकिन ये देखिए कैसे मुंह से देख रहे हैं कैसे निकल रही है ये। और लेकिन ये है कि घर से बाहर जब हम निकलेंगे तभी तो हम इन नजारों को देख सकते हैं, और जो रियल में देखने का एक होता है ना आनंद, और ये हमारा देहरादून दिख रहा है यहाँ से। मैंने कहा यही जरूर मैंने लेना है, मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ ना अपने पहाड़ मसूरी के, अभी फिर अच्छा दिखाऊंगी किसी दिन। और यहाँ से खड़े होके वो दूर जहाँ पे धुंध दिखाई दे रही है उन दोनों पहाड़ों के बीच में, वो है। और ये एंजॉयमेंट करते हुए मस्ती मचाते हुए, और वो कह रही थी हाँ मम्मा ने कहा था कि म्यूजिक चला के, कह रही थी म्यूजिक किसने चला दिया, तो कह रही थी वो मम्मा ने कहा था कि म्यूजिक चला के तो डांस कर लेगा। अभी मोना की मीटिंग हो रही है, उसके पास है सब वीडियोस, नहीं तो मैं उन्हें भी आपको एडिट करके दिखाती। मेरे फोन में तो हमेशा गैलरी खुली रहती है, एक मैंने ली थी बस, कुछ फोटो शूट किए थे और क्लिप यही ली थी मैंने जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप आइए मसूरी, आनंद लीजिए, और मैं फिर आपको मिलूंगी किसी नई बात के साथ जो मेरे दिल को छू जाएगी। नव वर्ष की आपको एक बार फिर बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि मैं पूरा जनवरी, मैंने लास्ट ईयर भी डाली थी कि जनवरी मंथ जो होता है ना वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, तो उसमें पूरा महीना क्या पूरा वर्ष आप आनंद उठाइए। धन्यवाद।